अब पहले मैं आपको एलसी ऑक्सीलेशन समझा देता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरत पड़ती रहती है। एलसी ऑक्सीलेशन ये क्या है? जनरली एलसीआर सर्किट में भी होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम हो तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट चूँकि आउट ऑफ फेज होते हैं, एक दूसरे पे 180 पे होते हैं, तो इनका होता क्या है? मैं एक तरीका करता हूँ, मैं एक कैपेसिटर और उसके पहले साथ में मैं एक इंडक्टर में ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। ए इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक की बना लेता हूँ, वो की जब चाहे इसको छू सकती है, जब चाहे इस पॉइंट को, मतलब इसके आगे मैं सर्किट और कंप्लीट कर देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। अभी मैं केवल चार्जिंग के लिए ये वाली बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट करंट यूज़ कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग नहीं है। तो जब चाहे तुम इसको यहाँ लगा दो और जब चाहे तुम की को यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, की को तुमने इस तरीके से लगा रखा है ऊपर। तो देखो सर्किट से करंट आएगा इधर पॉइंट पे, एक इधर रास्ता बन रहा है, एक इधर रास्ता बन रहा है, इस रास्ते जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक है यहाँ पे। सो वट एवर द करंट हैज़ बीन गिवन बाय द बैटरी एट दिस नोड विल डिसाइड नॉट टू गो एट दिस ब्रांच बिकॉज देर इज सर्किट हैज़ गॉन ब्रोकन ओवर देयर। सो इट्स गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड हियर द सर्किट इज कम्प्लीटली कम्प्लीट। सो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वो डायरेक्ट करंट लेता है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट फ्लो चार्ज कैपेसिटर के थ्रू चार्जिंग के लिए डायरेक्ट करंट वो रिसीव कर सकता है। हालांकि डायरेक्ट करंट एक बार चार्ज होने के बाद डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो होगा कैपेसिटर से, अल्टरनेटिंग करंट तो कैपेसिटर से फ्लो होता है, ये आपकी ज्ञान के लिए ज़रूरी है ना। लेकिन चार्जिंग हम लोग कैपेसिटर की कर सकते हैं बैटरी से। तो जब इसने चार्ज किया होगा तो इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया होगा, है ना, और ये प्लेट नेगेटिव हो गई होगी, ठीक। जैसे एक बार ये फुली चार्ज हो जाता है ये करंट लेना बंद कर देगा। एज सून एज द कैपेसिटर हैज़ गॉन फुली चार्ज इट्स नॉट गोइंग टू ड्रॉ एनी मोर करंट आउट ऑफ द बैटरी। एज सून एज इट हैपेंस इसको आप ऑफ कर दीजिए और ये स्विच को उठाकर यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब ये सर्किट चला गया बाहर, ये सर्किट अब हमारे उस ब्रांच में नहीं है, अब ये सर्किट बचा। अब देखिए ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, दिस कैपेसिटर ऑलरेडी हैज़ गॉट अ चार्ज। What it will do, this charge in terms of current will flow, ये current की तरह flow करेगा और inductor के through जाने लगेगा। जैसे inductor के through जाने लगेगा तो inductor के अंदर magnetic field बनने लगेगी, समझ में आई बात? ये आपको पता है कि ये electromagnetic induction principle में आपने सीखा है, ठीक है। इस तरीके की field बनने लगेगी, है ना, और ज़्यादा नहीं दिखाएंगे फालतू में, वो होगा इस तरीके की field बनने लगेगी इस इंडक्टर के अक्रॉस। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो चुका था उस समय कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी वो थी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आई होप ये सब एनर्जी का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। हाउ एम आई सेइंग दैट इट इज़ हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इतनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर ऑलरेडी थी। नाउ दिस एनर्जी वो स्टार्ट डिसिपेटिंग अक्रॉस द इंडक्टर। ये सारी एनर्जी अब इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के रूप में कन्वर्ट होने लगी। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर बनने लगी और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये पूरा चार्जलेस नहीं हो जाएगा, ओके। वंस दिस कैपेसिटर हैज गॉन कम्प्लीटली डिस्चार्ज एट दैट पर्टिकुलर स्टेज व्हाट विल हैपन, दिस एनर्जी विच वॉज इन द कैपेसिटर हैज कम्प्लीटली स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इंडक्टर के अंदर इतनी एनर्जी होती है। अब ये सारी अभी बस ये जान लीजिए काम आएगा। जैसे ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर की सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, ये एनर्जी इतनी है, करंट अब इधर से आना बंद हो जाएगा। लेकिन जो करंट इधर से आ रहा था, भले ये करंट देना बंद कर दिया, नोट डाउन, मे बी दैट करंट हैज स्टॉप कमिंग आउट ऑफ इट बिकॉज इट हैज गॉट कम्प्लीटली डिस्चार्ज, बट करंट विल नॉट स्टॉप एट वंस बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ वी नो दैट कि लेंज लॉ ये कहती है कि जिस वजह से करंट डेवलप होता है वो उसी वजह को रोकता है। ये तो लेंज लॉ कहती है ना, द करंट अपोजेस द सोर्स बाय विच इट इज क्रिएटेड। सो इट मींस ये करंट जब रुकने की कोशिश, यानी कि ये इंडक्टर का काम यही, जब करंट बढ़ता होता है तो उसको रोकने का काम करता है, यही लेंज लॉ है, और जब रुकने की कोशिश करता है तो सपोर्ट करता है। यानी तुमको बढ़ने से रोकेंगे, तुमको रुकने से रोकेंगे, हर समय इसको रोकना है आपको, ठीक है। मतलब तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो करंट अपोजिंग मारता है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा करंट मारा भी होगा, उसकी डिस्कशन नहीं हुआ, और जब ये रुकने की कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है कि रुके ना, बढ़ने देना नहीं चाहता, रुकने देना नहीं चाहता, यही लेंज लॉ है। अभी तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनको वीडियोज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये करंट
ये कंटिन्यू अपनी तरफ से कंटिन्यू कर देता है उस डायरेक्शन में। और जब ऐसा होता है, जब कैपेसिटर ये ए स्टेज है, जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो स्थिति ये है कि आपको दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, ये ज़ीरो हो चुका है इस समय, ठीक है। और ये इंडक्टर अब ये करंट को रुकने नहीं दे रहा और यही डायरेक्शन में लगातार करंट फ्लो होने दे रहा है लेंज लॉ के हिसाब से, जिसकी वजह से अगेन ये चार्ज होने लगेगा। और ढेर सारे फिगर नहीं बना रहा हूँ, आप बुक में देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तब तक ये एनर्जी जो भी इसके अंदर थी उसकी वजह से ये करंट इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो करवाता रहेगा और अल्टीमेटली तब ये ज़ीरो हो जाएगा, जब इसके पास एनर्जी कुछ भी नहीं बचेगी, तब उस समय कैपेसिटर फिर से दूसरे डायरेक्शन में चार्ज हो चुका होगा। अब सारी की सारी एनर्जी वापस इंडक्टर की इसमें, यानी कि हाफ एल आई स्क्वायर वापस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब एक बार ये हो गई तो फिर से ये ज़ीरो हो गई एनर्जी। अब फिर से कैपेसिटर है, अब जब ये कैपेसिटर देख रहा है कि मेरे पास तो एनर्जी है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यों ना भाई इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करवाई जाए। तो अब ये फिर से अब उस डायरेक्शन में फ्लो करवाने लगेगा, फिर से वही सिलसिला जो इस तरफ हुआ था वही सिलसिला उस साइड से होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी और वो सारी की सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसमें से कन्वर्ट हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो रुकने नहीं देगी, लगातार इस डायरेक्शन में करती रहेगी और फिर इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाएगा। बस लगातार यही ऑक्सीलेशन चलते रहते हैं एनर्जी का, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, दीज आर नोन एज एलसी ऑक्सीलेशन। आई थिंक आई एम क्लियर, सो शैल आई रब दिस डाउन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग and that is the quality factor. अब ये quality factor क्या है, quality factor discuss करते हैं। quality factor का चक्कर समझो पहले। देखो ऐसा है, आपने resonating frequency पढ़ी है, you know what a resonating frequency is, resonance वो frequency होती है सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोगों ने निकाला भी था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC हम लोगों ने निकाला था ना, याद करिए, रूट एल सी निकाला था, और ओमेगा तो आपका 2π था, तो 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये इसकी फ्रीक्वेंसी थी और ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। इसको आप एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, इसको आप फ्रीक्वेंसी कह लीजिए रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग का मतलब ये है कि अगर सर्किट में जब तुम जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सर्किट की, ये डिसाइड LC से होता है, ये चीज़ तो कांस्टेंट है ना, तुम जानते हो इंडक्टर कितना है, तुम जानते हो कैपेसिटेंस कितना है, 2π, तो यानी कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। अगर इसी के बराबर की वैल्यू का तुम करंट दे दो उसको, उसी बराबर का वोल्टेज दे दो तुम अल्टरनेटिंग, तो जैसे ही आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला दिया, सर्किट में रेजोनेंस होगा, उस समय सर्किट का इम्पीडेंस एकदम कम कर दिया जाता है सर्किट द्वारा, और एक बहुत लंबा सा बहुत ही मैक्सिमम करंट सर्किट में बहता है। तो ये आप जानते हैं कि एक ऐसी स्टेज होती है कि सर्किट में एक मैक्सिमम करंट बहता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, और वही फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा नॉट वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसमें सर्किट रेजोनेंस पे जा रहा है। रेजोनेंस का मतलब अलग शब्दों में, रेजोनेंस इज अ स्टेज व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस उसमें मिनिमम हो जाता है। अब मैं सब रिपीट नहीं करूंगा, रेजोनेंस क्या है मैं पहले समझा चुका हूं आपको, ठीक है। तो इस समय सर्किट अपने मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा, ये मैक्सिमम करंट है। क्यों हम आई नॉट को हम लोग वी नॉट बाई आर भी लिखते हैं, मैक्सिमम करंट को मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि उस समय सर्किट का रेजिस्टेंस भले ही LCR है, लेकिन उस समय ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/XL इज इक्वल टू XC करके याद करें ना आप कि कैसे आखिर रेजोनेंस आया था, तो उसी से तो करके हम लोग का ये आता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/, तो वो हम लोग एज्यूम कर चुके हैं। तो उस समय सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम है, मैक्सिमम करंट आपको इस फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, याद रखिएगा। अब आप ये बताइए कि इस समय जो सर्किट का मैक्सिमम करंट मुझे मिल रहा है, मैं चाहूँ तो आई नॉट लिखूँ या मैं चाहूँ तो इसको वी नॉट या ई नॉट बाई आर लिख लो, वी नॉट बाई आर लिख देता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये करंट इस समय सर्किट की जो पावर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, वो कितनी होगी भाई, आप जानते हैं कि आप अभी तो लिखते आए हैं VI है ना, ये पावर VI cos phi होता है। अगर ये मैक्सिमम होना है तो इसके लिए cos phi को मैक्सिमम, cos phi मैक्सिमम मतलब cos phi की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी,
क्योंकि अधिकतम वैल्यू कॉस फाई साइन फाई ये सबकी वन होती है, तो उस समय मैक्सिमम करंट इतनी हो जाएगी। क्यों ना करंट के टर्म्स में लिख लें हम लोगों, तो हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर यहाँ रख दें तो ये आई स्क्वायर आर आपके पास पावर आ जाएगी, ये पावर मैक्सिमम है। एक बात बताओ, अगर ये पावर मैक्सिमम की आधी में जानना चाहूँ तो इसका मतलब मुझे इसका आधा करना होगा। आधे का मतलब क्या है भाई, ये है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आई बाय रूट टू का होल स्क्वायर आर, क्योंकि जब खोलोगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट का हट जाएगा टू, तो केवल टू बचेगा, तो यही चीज़ आ जाएगी ना। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। लिखने की वजह ये है कि आप गौर करिए, जो मैक्सिमम पावर थी उस समय के करंट को अगर आप देखें और इस समय के करंट को देखें, तो इस समय करंट की वैल्यू आई बाई, यानी कि मैक्सिमम, उस समय मैक्सिमम करंट वाले का वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो गया है। तो यानी इस समय जब पावर आधी हो जाए, उस समय करंट की, जैसे कि आपको वैल्यू पता है, ये वी नॉट बाई, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जिस समय करंट की वैल्यू जो है आई नॉट बाय रूट टू हो, अब आई नॉट को तो आप वी नॉट बाई आर लिख सकते हैं, तो वी नॉट बाई आर लिख लो इसको, यानी वन अपॉन रूट टू टाइम्स वी नॉट बाई आर, यानी मैक्सिमम करंट का कोई एक वैल्यू वन अपॉन रूट टू टाइम्स भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये मैक्सिमम करंट है तो इसका वन अपॉन रूट टू टाइम्स, वन अपॉन रूट टू तो कम हो गया ना वी नॉट बाई आर से, तो कहीं नीचे ही कहीं होगा ये करंट की वैल्यू, इस जगह अगर वी नॉट बाई आर है तो इससे नीचे ही कहीं करंट, इस समय एक्चुअली पावर आधी होती है, याद रखना, इस समय पावर आधी होती है। तो उस समय, अब मैं ये हल्का सा मिटा दे रहा हूँ, केवल समझाने के लिए था, इस समय रिस्पेक्टिव अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ तो मान लेते हैं वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है। अब मुझे पता है कि एक बार चढ़ते हुए भी ये एक फ्रीक्वेंसी आएगी, एक बार उतरते हुए भी आएगी, तो आगे बढ़ा दें तो इसका मतलब दो फ्रीक्वेंसी पर वो वैल्यू वन अपॉन रूट टू टाइम्स मैक्सिमम करंट के हो जाती है। वो दोनों फ्रीक्वेंसी कौन सी हैं करस्पॉन्डिंग, ओमेगा वन और ओमेगा टू, पहले इस बात को ध्यान दो। इस समय सर्किट की पावर आधी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इतनी चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई, अब खुद सोचो यार। अब मैं बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ और तुमसे एक चीज़ सोचने को कह रहा हूँ। हाँ, बड़ी मुश्किल काम कह दिया लग रहा है मैंने आपसे, सोचना वैसे डिफिकल्ट वर्क। ओके, देखो यार, सिंपल सी बात है, जो इस कर्व की शार्पनेस है, इसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये शार्पनेस ऑफ अ कर्व, ये शार्पनेस है क्या, इसी को शार्पनेस कहो या क्यू फैक्टर कहो, ये है क्या एक्चुअली, ये होता है जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो अपॉन जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज हो। कौन सी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, जिस समय सर्किट का करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो, उस समय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको, ठीक। तो इसी को क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस कहते हैं या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये चीज़ शार्पनेस का मतलब ये है कि कितनी तेजी से सर्किट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से उतरता है, नॉट डाउन, विथ हाउ मच रैपिडिटी द करंट फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब आप खुद सोचिए, सर्किट में इस प्रकार से आपका बन रहा है और इस प्रकार से आपका बन रहा है। अब आप ये देखिए, ये और कम रेजिस्टेंस वाला था, ये ज़्यादा है, जितना कम रेजिस्टेंस लोगे, याद रखना जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना मैक्सिमम करंट आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू ही होती है जिस समय रेजोनेंस हो रहा हो तो वी नॉट बाय आर होती है। तो आर आर जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट होगा आपका। तो ये और कम आर वाला ग्राफ है, ये ज़्यादा वाला, अगर ये आर वन का ग्राफ है और ये आर टू का ग्राफ है तो आप ये समझ सकते हैं कि आर टू जो होगा लेस देन आर वन होगा। यानी इस वाले, ये ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला सर्किट। देखो दोनों में ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगी, मानते हैं, बट आप ये देखिए कि यहाँ पर जितनी तेज़ी से इस पर आप मान लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लीजिए, ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का वन अपॉन रूट टू टाइम्स है, ये तो ज़रा हम लोग ये बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये आया, ये आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं,
तो देखिए ये जो विथ है इस चीज को जो हम लोगों ने निकाला है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, इस चीज को हम लोग बैंडविथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बैंडविथ। ये यहाँ पे है। अब इस सर्किट में अगर देखते तो ये बैंडविथ थोड़ी सी बड़ी आती, अगर यहाँ पे अगर आप देखते तो ये बैंडविथ थोड़ी सी बड़ी आती, ठीक है। तो ऐसा है कि जितनी रैपिडिटी से ये फॉल होगा उतना ज़्यादा सर्किट की शार्पनेस कही जाएगी, उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर होगा, ठीक है। तो यानी कि वो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना शार्प बन के आएगा, उतना तेज़ी से उतना रैपिडली वो उतरेगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस को हम लोग कैसे, जो भी आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज, व्हाट फ्रीक्वेंसीज एट विच द करंट इज एट 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू, इज दैट क्लियर? ओके, अब हमको इसको थोड़ा मैथमेटिकली क्लियर करना है। मैथमेटिकली हम लोग क्लियर करेंगे हाउ, लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, अब मैं बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो सर्किट का इम्पीडेंस कितना है। पहले ये देखो सर्किट का इम्पीडेंस जो है, अगर इम्पीडेंस हम लोग लिखे तो ये आपको पता है LCR सर्किट है, तो XL माइनस XC लिखो, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब वापस अपने ग्राफ पे चले जाओ, जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, है ना, याद आ रहा है? इस पॉइंट पर V नॉट बाई R वैल्यू थी, और इस समय जब पावर आधी हो जाती है तो उस समय करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स V नॉट बाई R थी। तो देखो इस समय जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? √2 टाइम्स R। तो जिस समय √2 टाइम्स R है, जरा उस समय आप ये इम्पीडेंस की जगह ये वैल्यू रेजिस्टेंस की डाल के देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 टाइम्स R इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर रूट हट जाएगा, इधर इसको स्क्वायर करोगे तो √2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर ये आर स्क्वायर इधर ले जाओगे तो 2R स्क्वायर में से R स्क्वायर कट जाएगा, केवल R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो इससे आपको ये पता चला कि ओमेगा L माइनस 1/ ओमेगा C कैन बी रिटन एज प्लस माइनस R। ये समझ में आया कैसे? अगर कहीं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो उसका मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो जब भी कभी आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम वैल्यू आए तो हमेशा उसको लिखिए ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ रूट एम, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स याद रखिए। ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बाकी सब चीज़ें रब करता हूँ और फिर आते हैं खास चीज़ पे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ओके लेट मी रब दिस डाउन। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बैठा देते हैं फालतू है। ये देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे पता है कि मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी थी, फिर से थोड़ा सा ग्राफ बनाना तो बार बार ज़रूरी है भाई। मेरे पास पता है कि मेरे पास दो फ्रीक्वेंसी थी, ये अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी थी, इस समय जब पावर आधी रह जाती थी तो करंट की वैल्यू जो होती है अपनी 1/√2 टाइम्स हो जाता था, आई नॉट बाई √2 हो जाता था, या आई नॉट की जगह हमने लिख लिया था V0/√2 V0/R। इस समय अगर ये V0/R था, ये बात समझ में आई? ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 थी, ये फ्रीक्वेंसी इधर देखिए ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 थी। तो आपको मैं अगर ये कह रहा हूँ, देख के ही समझ में आ रहा है कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ी है ना, ध्यान से देखना, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। अगर इसको रेसिप्रोकल लो तो 1/ओमेगा 2 जो होगा वो लेस देन 1/ओमेगा 1 हो जाएगा। आई होप ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर यार 4 2 से बड़ा है तो अगर रेसिप्रोकल होगा तो 1/4 1/2 कौन बड़ा है बताओ? 1/4 कितना होता है? 0.25, और ये होता है 0.5। कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो अगर ये बड़ा है उससे तो जब रेसिप्रोकल लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, ध्यान रखना। वही चीज़ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ही सब ध्यान रखा कीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं इसको रिस्पेक्टिव जब मैं लिखूँगा तो आपको पता है, देते हैं
मैं लिखूंगा ओमेगा वन एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी इज इक्वल टू माइनस आर, और यहाँ लिखूंगा ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी इज इक्वल टू प्लस आर। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें आपने माइनस क्यों लिखा, इसमें आपने प्लस क्यों लिखा, ये वही रीज़न है यार। आप ये बताइए ओमेगा टू जो है ओमेगा वन से बड़ा है, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा तो बड़ा है। अब जरा ये देखिए इसमें वन अपॉन ओमेगा वन जो होगा, चूँकि ओमेगा वन वन अपॉन ओमेगा वन बड़ा है वन अपॉन ओमेगा टू से, तो यानी ये वाली क्वांटिटी बड़ी है ये वाली क्वांटिटी से, वन अपॉन ओमेगा टू से वन अपॉन ओमेगा वन वाली ज़्यादा बड़ी है। तो नेगेटिव में जो क्वांटिटी बड़ी होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसका रिजल्ट भी तो नेगेटिव आएगा ना, समझ में आ रही बात, इसलिए मैंने ऐसे लिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारी इक्वेशन वन हो गई और ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या आता है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे आप तो प्लस आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा वन सी माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी। ठीक है, एल कॉमन ले लो तो ये आ गया ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। ठीक है, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ये, और वन अपॉन सी भी कॉमन ले लीजिए तो वन अपॉन ओमेगा वन माइनस वन अपॉन ओमेगा टू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया आपने। देखिए ये आ जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू माइनस वन अपॉन सी, इट विल कम आउट टू बी ओमेगा टू प्लस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू। ठीक है, वी हैव टेकन द एलसीएम ना आउट ऑफ दिस ऑल एंड दिस इज कम्प्लीटली इक्वल टू जीरो। इन दिस इक्वेशन यू कैन टेक ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू कॉमन, लेट्स टेक इट। सो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इफ टेकन कॉमन, क्या बचा यहाँ पे L, यहाँ बचा केवल L माइनस यहाँ बचा वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू जीरो। अब अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो होगा, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो होंगे, सीधी सी बात है भाई। तो या तो ये वाली ये दोनों क्वांटिटी का ये क्वांटिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्ट ज़ीरो है। वट डज इट मीन, आइदर इट इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो और इट इज़ कम्प्लीटली ज़ीरो सेपरेटली। ये अगर कम्प्लीट जीरो होता है इसका मतलब ओमेगा वन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टू होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब केवल यही चीज़ ज़ीरो हो सकती है, तो एल माइनस वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाकर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ वन अपॉन सी ओमेगा वन ओमेगा टू, और यहाँ से हटा देता हूँ तो एल की वैल्यू इतनी हो गई। तो इससे क्या हुआ, ओमेगा वन ओमेगा टू उधर ले आओ तो ये हो गई एल सी। ठीक है, तो मैं काम कर रहा हूँ, ये एल इतना था तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी। ध्यान रखो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इतना आ गया आपके पास। अब ये सब चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी। ठीक, अब क्या करो यार, सेकंड वाले में से वन पहली वाली माइनस कर दो आप, तो सेकंड में से यानी सेकंड पहले प्लस किया दोनों इक्वेशन को माइनस करो, सेकंड माइनस वन करो तो इसमें से ये इक्वेशन घटाओगे तो पहले इधर की एल एच एस को घटा लो आपस में, तो लिखोगे ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी माइनस करोगे तो माइनस ओमेगा वन एल, और माइनस चूंकि इस पूरे पे कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वन अपॉन ओमेगा वन सी। ये आर है उसको माइनस करोगे तो आर माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टू आर। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप क्या करिए, ये एल एल वाले पार्ट को अलग कर लीजिए और सी सी वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ऐसे करके एल कॉमन ले लो इसमें और इसमें, और इन दोनों में इसको ऐसे लिख लो वन अपॉन ओमेगा वन सी माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी, ऐसे लिखा जा सकता था। अब सी अगर कॉमन ले लिया जाए, ऐसे कर लो ए ऐसे वन अपॉन सी कॉमन ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बचेगा ओमेगा वन ओमेगा टू और ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आ जाएगा, यानी आ जाएगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एल और प्लस वन अपॉन सी अंदर बचेगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू। क्लियर है, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब आप क्या करिए यार, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल
बात समझ में आ रही है। और यहाँ बचेगा वन अपॉन सी इंटू ओमेगा वन ओमेगा टू, जो यहाँ बचा वो तो आपने कॉमन लिया, तो इधर एल बचा हो, इधर ये तो हाइड है ही नहीं यहाँ पे। ओमेगा वन ओमेगा टू की जगह वन अपॉन एल सी लिख लीजिए, तो लिख लीजिए यहाँ पे वन अपॉन एल सी, तो सी से सी कट गया और ये एल ऊपर चला गया। तो जब ये एल ऊपर चला गया, ये एल ऊपर चला गया, तो ये देखिए जरा आ रहा है, दिख रहा है उसमें, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं ये वाले स्टेप को ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक किया था आपने, अब मैं इस स्टेप के बाद ऊपर कर दे रहा हूँ, चूँकि विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मैं ये सब रब कर दे रहा हूँ, मैं ये रब कर दे रहा हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी डिराइव किया था, वो पहले वो याद है, ये ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल प्लस वन अपॉन सी, और ये तो कॉमन ले लिया आपने, तो केवल बचा होगा ओमेगा वन ओमेगा टू। अब यार क्या करो कि ओमेगा वन ओमेगा टू की जगह वन अपॉन एल सी ले लीजिए आप, ओके, लेट मी रब दिस डाउन, और यहाँ मैं सीधे लिख लेता हूँ वन अपॉन एल सी, तो सी से सी कट गया है, ये एल ऊपर चला जाएगा, तो वो एल ऊपर चला जाएगा, तो एल और एल ऐड होकर टू एल हो जाएगा, याद करना, और उधर तो आपका टू आर था ही, ठीक। तो मैं ये सब हटा कर अब डायरेक्टली देखिए, मैं इतनी आज़ादी ले सकता हूँ चूँकि मैं रब कर सकता हूँ, आप ना ले लीजिएगा ऐसी आज़ादी, आप प्रॉपरली कीजिएगा। तो ये 2L हो गया और वो 2R हो गया, तो ये हो गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू 2L इज इक्वल टू 2R, 2 कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू भाई कितनी आ गई, R बाई L आ गई, इसी को डिराइव कर रहे थे इतनी देर से, समझ में आई बात, ओके 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 ओके, लेट मी रब दिस डाउन एवरीथिंग। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, अब इसी से हमारा बहुत कुछ आ जाने वाला है, ठीक है। देखो ये हमारे पास आ गई है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, हमने क्या क्वालिटी फैक्टर या रेजोनेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताया था, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही बताया था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आप जान गए क्या आ गया है। तो ये इसको लिखिए ओमेगा नॉट ओमेगा 2, ये लिखिए आर बाई एल, या फिर आप क्या कहिए L को सीधे ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L, तो ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर। अब गौर करने वाली बात है, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले को हम, जैसा हमने ये कहा था कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज एट विच द करेंट इज वन अपॉन रूट टू टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करेंट, वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और जो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा नॉट एल बाई आर आया है, इसको चाहो तो ओमेगा नॉट आप जानते हैं क्या है, ये तो आपने पढ़ा था वन अपॉन अंडर रूट एल सी था, तो अगर इसकी जगह मैं लिख लूँ वन अपॉन अंडर रूट एल सी और एल अपॉन आर, अब आप क्या करिए इस एल को रूट के अंदर ले जाइए, आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, तो रूट के अंदर ऐसे लिया जा सकता है, वन अपॉन आर ऐसे रहने दो, अगर रूट के अंदर लिखोगे इसको तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो एल के बाहर आया होगा तो एल स्क्वायर बाहर आया होगा तो एल बचा होगा, ऐसे लिखा जा सकता है, इससे एक एल एल कट जाएगा और वन अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये एक और फॉर्मूला आ गया क्यों का, ठीक है, समझ में आई बात, मिटा दें, अरे मिटर गया है तो क्या है, पीछे जाके देख लीजिए यार, नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, है ना, डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। अब देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दोनों में करंट आई आई मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा नॉट एल तो है अपॉन आई आर, क्यू फैक्टर को देखो ये आ रहा था ओमेगा नॉट एल बाई आर या वन अपॉन, है ना, जो एल सी वाला फॉर्मूला था वो भी आ रहा था, वो भी याद रखिए। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है, अरे भाई ये है आई, ओमेगा नॉट एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है, ओमेगा एल, और आई आर क्या है, आई ओमेगा, आप समझिए इस चीज़ को, इस चीज़ को हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हो गया आई एक्स एल और आई आर, अब ये जानते हैं आप ये क्या होता है, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है और ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये टोटल, ये वो वाला नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये भी फॉर्मूला हो गया
कि जो भी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या कैपेसिटर डेवलप हो रहा है, जो इंडक्टर के अक्रॉस होगा वही कैपेसिटर, क्योंकि दोनों का तो रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों का रिएक्टेंस बराबर है, तो जो वोल्टेज उनके अक्रॉस है विथ रिस्पेक्ट टू जो ओवरऑल वोल्टेज है सर्किट का, इसको भी क्वालिटी फैक्टर लिखा जा सकता है। ओके ओके।